नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें आज़ादी दिहाड़े मौके लाल किले ते लगातार 11वीं बार तिरंगा लहराया अते राष्ट्र नूं संबोधन किया। 2047 तक भारत नूं विकसित राष्ट्र बनाउण लई 140 करोड़ भारतीयों नूं इस दिशा विच इकट्ठे होकर वधण दा दित्ता सद्दा। विकसित भारत 2047 लई देशवासियों तो सुझाव भी मंगे। सिक्ख्या, सेहत, MSME, सैर सपाटा, खेतीबाड़ी अते ट्रांसपोर्ट खेतर दे आधुनिकीकरण विच सूचना तकनोलॉजी की भूमिका का किया जिक्र। महिला सशक्तिकरण तहत कामकाजी महिलावां लई केंद्र सरकार वल्लों चलाईयां जा रही योजनावां का वेरवा किया सांझा। पुलाड़ खेतर विच सुधार अते नौजवानां दे सुपनियां नूं तेजी नाल पूरा करन दा वी कीता भाषण दौरान वादा। पंजाब दे राजपाल गुलाब चंद कटारिया ने विकसित भारत 2047 दी यात्रा विच पंजाब दी भागीदारी नूं यकीनी बनाउण लई हरेक नूं अपनी जिम्मेवारी तनदेही नाल निभाउण दा दित्ता सद्दा। BSF वल्लों JPC अटारी विखे कौमी झंडा लहराया गया। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें आज़ादी दिहाड़े ते लाल किले ते लगातार 11वीं बार तिरंगा लहराया अते राष्ट्र नूं संबोधन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र अज देश लई कुर्बानियां देण वाले आज़ादी दे दीवानियां नूं शरधांजलि भेंट कर रहा है। उन्हां कहा कि 140 करोड़ भारती जे संकल्प कर लैण अते एक दिशा विच इकट्ठे वधना शुरू कर देण तां असीं राल दियां सारियां रुकावटां नूं पार करके 2047 तक विकसित भारत दा निर्माण कर सकदे हां। जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़ करके भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 लई देशवासियों तो सुझाव भी मंगे। इस मंतव नाल हुण तक मिले सुझावों का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण विच कीता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल का मंतव आर्थिक प्रणाली के विकास लई तरक्की दे नवे राह खोल रहा है। देश के हर जिले ने अपने एक विशेष उत्पाद ते माण करना शुरू कर दिता है, जिसके चलदियां देश विच अज एक जिला एक उत्पाद का तेजी नाल विकास हो रहा है। सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर खेत्र विच अति आधुनिक तकनोलॉजी, विशेष तौर पर सूचना तकनोलॉजी ने एक अहम भूमिका निभाई है अते राष्ट्र वल्लों इन्हां नवीआं तकनोलॉजीआं दे चलदे सैर सपाटा, सिक्ख्या, सेहत, MSME, ट्रांसपोर्ट, खेतीबाड़ी खेत्र विच वी इन्हां नवीआं आधुनिक प्रणालियां दी वरतों कीती जा रही है। 10 साल के भीतर भीतर उसके सपनों को आकार मिला है, धार मिली है और उसके आत्मविश्वास में एक नई चेतना जगी है और वही देश का एक नया सामर्थ्य के रूप में उभरना है। आज विश्व भर में भारत की साख बढ़ी है, भारत के प्रति देखने का नजरिया बदला है। आज विश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण का जिक्र करदिया कहा कि पिछले 10 सालों में 10 करोड़ औरतां महिला स्वय सहायता समूहों में शामिल हुई ने, जिसका अर्थ है कि 10 करोड़ औरतां माली तौर पर आजाद हुई ने। एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ, एक महत्वपूर्ण पहलू है
हम उस पर भी बल दे रहे हैं। हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किए हैं। जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांध के रखा था उसे हमने खोल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामकाजी औरतों लई जनेपा छुट्टी 12 हफ्तों तो वधा के 26 हफ्ते करन दा जिक्र करदिआं कहा कि उन्हां दी सरकार ना सिर्फ औरतों का सन्मान करती है सगों उन्हां लई संवेदनशीलता नाल फैसले भी लैंदी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों नूं राष्ट्र सब तो पहलां दा सद्दा दिंदिआं कहा कि यह सिर्फ एक संकल्प ही नहीं सगों एक जिम्मेवारी है जिस नूं जमीनी पद्धर ते लागू किया जा रहा है। तेज गति दे और उसके द्वारा पहले हम हर सेक्टर में नए अवसर पैदा करें। दूसरा, ये बदलती हुई व्यवस्थाओं के लिए जो सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बदलाव के मजबूती देने की दिशा में काम करें। प्रधानमंत्री ने पुलाड़ खेत्र विच सुधार ते नौजवानों के सुपनों नूं तेजी नाल पूरा करन लई कीते जा रहे उपरालियां दा भी जिक्र अपने भाषण दौरान किया कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पंचायत तो लैके केंद्र सरकार तक सरकार के सारे पद्धरां नूं मिशन मोड ते काम करन दी हदायत दित्ती गई है तां जो देश दा निरंतर विकास यकीनी बनाया जा सके। रक्षा खेत्र दा जिक्र करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश दीआं रक्षा लोड़ां नूं पूरा करन लई जिथे विशेष ध्यान दिता जा रहा है उत्थे रक्षा उपकरणां दे निर्माण विच वी देश नूं आत्म निर्भर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि अगले 5 सालों विच भारत के मैडिकल कालजां विच 75,000 नवीं सीटां दा सिरजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 स्वच्छ भारत भी होना चाहिदा है अते इस दे लई सरकार वल्लों कौमी पोषण मिशन शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री वल्लों जदों कौमी झंडा लहराया गया तां पंजाब रेजिमेंट दे मिलिट्री बैंड वल्लों राष्ट्री गीत दी धुन वजाई गई। समागम विच देश भर दे वख-वख स्कूलां दे कुल 2000 एनसीसी कैडेट शामिल होए। झंडा लहराउण तों बाद प्रधानमंत्री ने ज्ञान पथ ते बैठे इन्हां कैडेटां नाल मुलाकात भी कीती। आजादी दिहाड़े दे इस समागम विच 6,000 विशेष मेहमानों नूं सद्या गया सी जिन्हां विच केंद्रीय मंत्री संसद मैंबर अगां वधू किसान पैरिस ओलंपिक विच हिस्सा लैण वाले खिडारी वख-वख देशां तों आए मेहमान अते होर सनत समाजिक अते धार्मिक खेत्र दीआं उग्गियां शख्सियतां भी हाज़र सन। पंजाब दे राजपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने 78वें आजादी दिहाड़े मौके सूबा वासियों नूं संबोधन करदिआं कहा कि इस बार दे आजादी दिहाड़े दा थीम है विकसित भारत @2047। उन्हां इस अमृत काल वल दी यात्रा विच पंजाब दी भागीदारी नूं यकीनी बणाउंदिआं अपनी जिम्मेवारी तनदेही नाल निभाउंदिआं देश दी तरक्की विच बणदा योगदान देण दा सद्दा दित्ता। नमस्कार। भारत की आज़ादी के 77 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों को और विशेषकर पंजाब और चंडीगढ़ के सभी नागरिक बंधुओं को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मैं सोचता हूं कि इस आज़ादी को प्राप्त करने के पंजाब का जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज़ादी के संघर्ष में शहीद भगत सिंह को हम सब इस दिन केवल पंजाब ही नहीं सारा देश याद करता है। ये वही धरती है जहाँ लाला लाजपत राय ने आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है की घोषणा करके इस आज़ादी को यज्ञ को आगे बढ़ाया। ये वही धरती है जहाँ उद्धम सिंह जैसे व्यक्ति ने झलियावाले बाग के उस नरसंहार का बदला लेने के लिए ठेठ इंग्लैंड जाकर के भी और उसको गोली मार करके उसको इस बात का एहसास कराया कि आज़ादी के प्रति देश के अंदर कितना बड़ा उबाल है। इन क्रांतिकारी शहीदों ने इस देश की आज़ादी को जंग को लड़ा है।
केवल मैं सोचता हूँ कि हजारों लोगों ने जेल की यातनाएं बर्दाश्त की, काला पानी की सजा को बर्दाश्त किया, लेकिन आज़ादी के इस लोह को उन्होंने कभी भी कमज़ोर नहीं होने दिया। और इस कारण से इस यह जो आज़ादी का पर्व है वो हम सब लोग के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही एक तरह से संतोष का दिन है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 75 वर्ष पूरे हुए थे, जब अमृत काल हमारी आज़ादी का मनाया था, तब उन्होंने देश की जनता के सामने एक बात रखी थी कि अब हम अमृत काल है, लेकिन हमारा लक्ष्य है जब 2047 में हम आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएं, तब हमारा देश दुनिया का नंबर वन का आर्थिक दृष्टि से और सब दृष्टि से देश बने। और उसके लिए उन्होंने हम सब को भी प्रेरित करने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि जिन्होंने आज़ादी का जंग लड़ा, जिन्होंने अपना सब कुछ दिया, अपना परिवार छोड़े, भाई बहन छोड़े, देश की आज़ादी के लिए सब यातनाएं सहन की, उन्होंने तो अपना एक कर्तव्य पूरा कर दिया और हमको आज़ादी का ये जो शुभ अवसर मनाने का मौका दे दिया। लेकिन आज हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि आज हम इस आज़ाद भारत में जब हम रह रहे हैं तो हम 140 करोड़ लोगों के भी मन में इस बात का भाव आना चाहिए कि जिन्होंने हमें आज़ादी का ये अवसर दिया है, अब हम देश को अपने कर्म शक्ति से, अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से, अपने प्रयत्न से इस देश को उस ऊंचाई को दें जिस ऊंचाई के लिए आज हम और आप सब लोग जो है नालायक हैं। मैं सोचता हूँ ये देश का कितना भाग्यशाली है कि जब 18वीं लोकसभा का चुनाव किया तो 65 करोड़ लोगों ने मतदान करके इस देश के लोकतंत्र को दुनिया को दिखा दिया कि भारत की जनता अपने लोकतंत्र को कितना प्यार करती है। यानी यहाँ सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई हिंसा या किसी प्रकार का विद्रोह नहीं होना। इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक दृष्टि से भारत एक मॉडल बनकर के आज दुनिया के सामने उपस्थित हुआ है। राजपाल ने कहा कि भारत दुनिया का सब तो वड्डा लोकराज है। इस दौरान उन्हें पिछले दहाके दौरान देश वालों वख-वख खेत्रां विच कीतियां गईयां अहम प्राप्तियां का जिक्र किया। मैं सोचता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हम सब के लिए बहुत ही गौरव और आनंद का विषय है। ये इस देश को G20 को जिस सफलतापूर्वक भारत ने अपनी अध्यक्षता में जिसको संपन्न किया और जो रेजोल्यूशन यहाँ पास हुआ, वो सारे देश के दुनिया के देशों ने सर्वसम्मति से उसे स्वीकार करके भारत और भारत के द्वारा G20 को जिस सफलतापूर्वक दुनिया के सामने रखा, उसके कारण से हमारी प्रतिष्ठा संपूर्ण दुनिया में आज इस दृष्टि से बहुत बहुत आगे बढ़ी है। जब हमारी लोकसभा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया और पहली बार आने वाले चुनाव में महिलाओं को विधानसभा में भी और लोकसभा में भी 33% का आरक्षण देकर के लोकतंत्र में नारी का कितनी भागीदारी है वो हम 75 वर्ष के बाद जो है वो तय कर पाए, वो सौभाग्य भी हमें मिला। भारत आज डिजिटल इंडिया के रूप में जाना जाता है। मैं सोचता हूँ कि इस डिजिटल की दृष्टि से हमने दुनिया का एक तरह से नेतृत्व किया है। राजपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब दीयां चुनौतियां दा जिक्र करदियां सरहद पारों ड्रोन अते नशीले पदार्थां दी समगलिंग सूबे नूं नशा मुक्त बनाउण लई कीते जा रहे उपरालियां अते पंजाब नूं तरक्की दी राह ते अगे वधाउण लई हर एक नूं अपना बणदा योगदान देण दा सद्दा वी दित्ता। मैंने यहाँ आने के बाद अनुभव किया कि पंजाब में कई चुनौतियाँ आप और मेरे सबको विचार करने के लिए प्रेरित कर रही है। हमारी जो 6 जिले हैं जिसमें हमारा जो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो 553 किलोमीटर का है और उस वहाँ जिस प्रकार की गतिविधियाँ हम यानी एक तरह से पाकिस्तान छद्मवेशी रूप से जिस तरह से भारत को एक तरह से परेशान करने का प्रयास कर रहा है, ड्रोन के माध्यम से जो है वो हमारे यहाँ हथियार और हमारे यहाँ एक तरह से इसी नशीले पदार्थों को भेजने का जो काम कर रहा है, मैं सोचता हूँ कि हमारी फौज ने, हमारी BSF ने, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के
सभी लोगों ने और वहाँ के लोकल लोगों ने मिलकर के उस पर काफ़ी कुछ कंट्रोल करने का प्रयास किया। पंजाब की पुलिस ने भी एक तरह से उनकी मददगार बनकर के इस को रोकने का प्रयास किया है। पंजाब नशा मुक्त कैसे बने, इस विषय को हम सब लोग गंभीरता से लेकर के और सीमाओं को सुरक्षित करने की दृष्टि से सीमा के गांवों को हम वहां के सुरक्षा कमेटियां बना करके अधिक से अधिक उनको कैसे देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। केंद्र सरकार हमें हर प्रकार से मदद कर रही है, लेकिन फिर भी हम राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के पंजाब के विकास के लिए, चंडीगढ़ के विकास के लिए अधिक से अधिक कैसे काम करें। और सबसे बड़ा काम जो हम कर सकते हैं, वास्तव में आज़ादी का जब पर्व मना रहे हैं तो ये दूसरे से शुरू नहीं होगा, ये हमको अपने व्यक्तिगत रूप से शुरू करना पड़ेगा कि हम देश के लिए किस प्रकार से, किस तन्मयता से, ईमानदारी से, निष्ठा से, पूरा परिश्रम पूर्वक कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं एक तरह से पंजाब के और चंडीगढ़ के सभी नागरिक बंधुओं से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने देश को आज़ादी का जब 100 वर्ष मनाएं तब दुनिया का नंबर एक का देश बनाएं। आज भी हमारा सौभाग्य है कि हम दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थशक्ति के रूप में उभर गए हैं और हमारी कोशिश है देश की कि हम 3री शक्ति अगले साल तक बन जाएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि 2047 के पहले पहले हम भारत को विश्व की आर्थिक शक्ति में नंबर 1 बनाना है और भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। कभी यह विश्वगुरु था, अब वापस विश्वगुरु बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है। अब आपका और मेरा यह दायित्व है कि उसको इस विश्वगुरु बनाने में हम व्यक्तिगत रूप से कितनी मेहनत और कितना परिश्रम करके ये सम्मान इसको दिला सकते हैं। एक बार फिर पंजाब के और चंडीगढ़ के सभी बंधुओं से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि देश के स्वाधीनता के इस पुनीत अवसर पर हम अपनी ओर से उन शहीदों को एक तरह से श्रद्धांजलि दें जिनके कारण से आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं। आज हम अपने देश के उन फौजियों को भी याद करें जिन्होंने सीमा की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके देश के तिरंगे को उन्होंने जो सम्मान दिलाया है, मैं सोचता हूँ उन्होंने सब कुछ किया है, हम भी तो कुछ करें। इस भावना के साथ मैं आपसे विनम्र फिर प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम सब मिलकर के प्रयास करें कि हमारा देश और हमारा पंजाब और हमारा चंडीगढ़ कैसे विकास की दौड़ में एक तरह से आगे निकले। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद। भारत अज अपना 78वां आज़ादी दिहाड़ा मना रहा है। इस मौके अमृतसर विच JPC अटारी विखे कौमी झंडा लहराया गया अते देश दे अमीर सभ्याचारक विरसे अते देश भगती दे जज्बे नूं दर्शाउंदा एक शानदार समागम करवाया जा रहा है, जिस तों बाद BSF वल्लों वकारी बीटिंग रिट्रीट समागम करवाया जाएगा। इस समागम दे मुख मेहमान BSF दे DG दलजीत सिंह चौधरी होणगे। समागम दौरान स्कूलां, कालजां अते होरनां संस्थावां वल्लों देश दी विरासत दर्शाते सभ्याचारक समागम करवाए जा रहे ने। इस तों पहला कल आज़ादी दिहाड़े की पूर्व संध्या से अटारी वाघा सरहद नूं तिरंगे दे रंग वाली रोशनी नाल उचेचे तौर पर जगमगाया गया सी। हिंद पाक दोस्ती मंच ते फोकलोर रिसर्च अकैडमी वल्लों अमृतसर दे खालसा कॉलेज विच 29वें हिंद पाक दोस्ती सम्मेलन मौके भारत पाकिस्तान संबंध अमन लई एक मौका दिओ बारे सैमीनार करवाया गया। सैमीनार दौरान प्रमुख शख्सियतां ने विचार पेश करदिआं दोवां मुल्कां विच व्यापार ते लोकां दी आवाजाई लई अटारी वाघा सरहद खोलण दी लोड़ ते जोर दिता। इस मौके दोवां मुल्कां विच नफरत दी सियासत खत्म करन दी अपील भी कीती गई। अद्धी रात नूं 12 बजे चोणवीआं शख्सियतां वल्लों अटारी वाघा सरहद ते मोमबत्तियां जगा के अमन अते दोस्ती दा सुनेहा दित्ता गया। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज अते सोशल मीडिया प्लेटफार्म X ते वी देख सकते ने। ते बुलेटिन दे अखीर विच चोणवीआं खबरां इक वार फिर तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें आज़ादी दिहाड़े मौके लाल किले ते लगातार 11वीं बार तिरंगा लहराया अते राष्ट्र नूं संबोधन कीता। 2047 तक भारत नूं विकसित राष्ट्र बनाउण लई 140 करोड़ भारतीयां नूं इस दिशा विच इकट्ठे होके वधण दा दित्ता सद्दा।
विकसित भारत 2047 लई देशवासियों तो सुझाव भी मंगे। सिक्ख्या, सेहत, MSME, सैर सपाटा, खेतीबाड़ी अते ट्रांसपोर्ट खेतर दे आधुनिकीकरण विच सूचना तकनोलॉजी की भूमिका का किया जिक्र। महिला सशक्तिकरण तहत कामकाजी महिलावां लई केंद्र सरकार वल्लों चलाईयां जा रहीयां योजनावां दा वेरवा कीता सांझा। पुलाड़ खेतर विच सुधार अते नौजवानां दे सुपनियां नूं तेजी नाल पूरा करन दा वी कीता भाषण दौरान वादा। पंजाब दे राजपाल गुलाब चंद कटारिया ने विकसित भारत 2047 दी यात्रा विच पंजाब दी भागीदारी नूं यकीनी बनाउण लई हरेक नूं अपनी जिम्मेवारी तनदेही नाल निभाउण दा दित्ता सद्दा। BSF वल्लों JPC अटारी विखे कौमी झंडा लहराया गया। ते इस दे नाल ही खबरां दा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।